हे गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। क्रैश कोर्स चल रहा है हर एक एग्जाम के लिए, सीएसआईआर गेट डीबीटी आप लोग देख रहे होंगे। हर दिन क्रैश कोर्स में हम नए वीडियोस आपके लिए कॉन्टिन्यूस लेके आते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी क्वेरीज आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेटाबेस को सर्च करने का टूल भी आपको चाहिए, ठीक है? डेटाबेस देख लिया तो डेटाबेस सर्च करने का टूल भी चाहिए। चलो देख लेते हैं कि वो टूल क्या होता है जो डेटाबेस को सर्च करना चाहिए, ठीक है? कुछ नहीं करना है, ये टूल या तो सबमिशन करेगा या रिट्रीव करेगा, या तो सबमिट करेगा डेटा को या रिट्रीव करेगा। यही समझ में आ रहा है? डेटाबेस को या तो सबमिट करेगा या उससे निकालेगा। तो चलो देखते हैं, ये एनसीबीआई की साइट है। कुछ इस तरीके से मैंने आपको बोला था, जब एनसीबीआई की साइट देखो ओके, देखो पॉपुलर रिसोर्सेज क्या है, देखो पबमेड है, बुक सेल्फ है, पबमेड सेंट्रल है, पबमेड हेल्थ है, ब्लास्ट है, न्यूक्लियोटाइड, जीनोम, एसएनपी, जीन, प्रोटीन, पबकेम, ये क्या रे रिसोर्सेज है। उसके अलावा कई सारे रिसोर्सेज है, लिटरेचर, प्रोटीन सीक्वेंस, टैक्सोनॉमी, ट्रेनिंग, वाइब्रेशंस, ये डीएनए आरएनए, बहुत सारे डेटा सॉफ्टवेयर यहाँ पे है। और ये सबमिट करो, डाउनलोड करो, लर्न करो, डेवलप करो, बहुत फ्री डेटाबेसेस यहाँ पे होते हैं एनसीबीआई के पास, जो कि सबसे मेजरली यूज किया जाता है एनसीबीआई डेटाबेस। समझ में आ रहा है? ये वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया, इस वेबसाइट पे एनसीबीआई होता है, यही नेशनल सेंटर, याद रखना नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट ऑफ, क्या होता है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन होता है। तो कभी गलत मत, कभी कभी पूछ दिया जाता है इंटरव्यू में, ठीक है? चलो आगे चलते हैं कि एनसीबीआई के बारे में। ये एक बेसिक एनसीबीआई का वेब पेज है जो होम पे आपको दिखता है, ठीक है? चलो अब बात करते हैं डेटाबेस सर्च करते हैं। डेटाबेस से कैसे सर्च करोगे, कैसे निकालोगे, कैसे सबमिट करोगे? सर्च जो होता है, या तो आप टेक्स्ट बेस्ड सर्च कर सकते हो या सीक्वेंस बेस्ड सर्च कर सकते हो। टेक्स्ट बेस्ड का मतलब है, जैसे कि आपने क्या किया कि जस्ट सपोज कर दिया ई कोलाई जीनोम, ये टेक्स्ट बेस्ड सर्च कि मुझे ई कोलाई का जीनोम दो। सीक्वेंस बेस्ड का मतलब है आपने पूरा पूरा सिक्वेंस ही डाल दिया, पूरा सिक्वेंस ही डाल दिया, दैट इज व्हाट द सिक्वेंस बेस्ड सर्च। समझ में आ रहा है? नेम बेस्ड सर्च टेक्स्ट बेस्ड को एक और नाम बोल देते हैं, दैट इज व्हाट द नेम बेस्ड, यस एग्जैक्टली, यूजिंग द डिस्क्रिप्टिव वर्ड, यूजिंग द डिस्क्रिप्टिव वर्ड, एंड सीक्वेंस बेस्ड इज द यूजिंग द सीक्वेंस। टेक्स्ट बेस्ड सर्च के जो एग्जांपल्स होते हैं, एंट्रेज, एसआरएस, डीबीगेट, डीबीफेच। एंट्रेज, एसआरएस, डीबीगेट, डीबीफेच, अभी मैंने आपको बताया था एंट्रेज जो होता है एनसीबीआई पे यूज होता है जेन बैंक के लिए, बताया था कुछ देर पहले जब जेन बैंक बता रहा था जेन बैंक के लिए। एसआरएस जो होता है, एसआरएस यूज होता है ईबीआई पे, ईएमबीएल के लिए, कुछ देर बताया था। रिट्रीवल टूल्स जो होते हैं, ये क्या रिट्रीव करते हैं, सर्च करके हम उसको निकालते हैं कि अच्छा आ जाओ, दिस इज द रिट्रीवल टूल। एंट्रेज, एसआरएस, डीबीगेट एंड डीबीफेच होता है, ठीक है? डीबीगेट जो होता है वो जापान में पाया जाता है, दैट इज व्हाट डेटा बैंक ऑफ द जीनोम डॉट नेट पे होता है जापान में, इंटीग्रेटेड डेटाबेस रिट्रीवल सिस्टम एट द जीनोम डॉट नेट, डीबीगेट का ये सीन होता है। ये क्या है, ये है आपके नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड सर्च। याद रखना एंट्रेज, एसआरएस, डीबीगेट, ये तीन इंपॉर्टेंट है, एंट्रेज, एसआरएस, डीबीगेट, या एंट्रेज एसआरएस। एसआरएस का फुल फॉर्म होता है या फुल नेम होता है, इसके नाम में है सिक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम। क्या है? सिक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम, सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम होता है या टूल होता है, जो भी आप बोलो। तो ये आपका सिस्टम जो होता है ईबीआई पे पाया जाता है, ये टेक्स्ट बेस है। सीक्वेंस बेस पे जो पाए जाते हैं वो आपके ब्लास्ट, फास्टा, ये सब पाए जाते हैं, एसएस सर्च या जीजी सर्च पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? एंट्रेज के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एंट्रेज, एसआरएस एंड ऑल के बारे में। एंट्रेज, इट इज द ग्लोबल क्वेरी एंड डेटाबेस सर्च सिस्टम प्रेजेंट एट एनसीबीआई। एनसीबीआई का जो वेबसाइट है, दैट इज ncbi.nlm.nih.government, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। डॉट एनएलएम का मतलब होता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। एनएलएम जो होता है उसके वेबसाइट में देखिए कितना इनकॉर्पोरेशन है, एनसीबीआई के बाद एनएलएम, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, उसके बाद एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो फिर गवर्नमेंट ऑफ यूएसए।
ये पूरा एनसीबीआई का पार्ट है। एनसीबीआई में क्वेरी सिक्वेंस करते हो और करने के बाद आप पुट करोगे और सर्च को इंटर कर दोगे। एसआरएस जो होता है 80 बायोलॉजिकल डेटाबेसेस डेवलप करता है, जैसे ईबीआई हिंगस्टन यूके, एंड रिसेंट अपडेटेड जो था ये 2013 में अपडेट किया गया था। डीबीफेस जो होता है वेब बेस्ड होता है, स्क्रिप्टिंग टूल्स होते हैं। दीज आर द टूल्स फॉर सर्च करने के लिए, क्वेरीज को डालने के लिए, ताकि आप अपने सिक्वेंस को, अपने इंफॉर्मेशन को वहां पे एक्सेस कर सकते हो। कहां पे सर्च करोगे, ये जो आ रहा है ये आप देख रहे होगे कि यही जो सर्च बॉक्स है, समझ में आ रहा है। जब इस पे सर्च करोगे सीधे सीधे तो ये इंटेक्स के सिस्टम से ही काम करता है, ठीक है। सर्च बॉक्स में टेक्स्ट बेस पे सर्च करोगे तब नाउ आगे मूव करता हूं मैं। डीबी गेट के बारे में मैंने बताया था, डीबी गेट के बारे में genome.net पे होता है, जापान में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखना कि क्या होते हैं, कुछ इसके फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि ये है बी गेट, बी फाइंड, बी इनफो, बी लिंक। बी गेट का मतलब होता है एंट्रीज को पाना, गेट द एंट्रीज फ्रॉम डेटाबेस। बी फाइंड का मतलब होता है फाइंड अकॉर्डिंग टू द मैचिंग पैटर्न। एंड बी इन्फो का मतलब डेटाबेस वर्जन या स्टेटिस्टिक्स, क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो। एंड बी लिंक का मतलब फॉलो लिंक्स फॉर द डेटाबेस एंट्रीज, जितने भी उस लिंक को फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे डेटाबेस, उसके बारे में चीज होती है, ठीक है। नाउ अब देखने की कोशिश करना कि ये सारे टूल्स जो थे वो डेटा को रिट्रीव कर रहे थे। डेटा सबमिशन टूल के बारे में बात करते हैं, तो सबमिशन टूल में होता है बैंकिट सेक्विन वेबिन। बैंकिट जो होता है ये वेब बेस्ड होता है, और सेक्विन जो होता है स्टैंड अलोन का मतलब इसको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। स्टैंड अलोन का मतलब यही होता है कि इसको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, सॉफ्टवेयर है, अलग से इंस्टॉल करोगे आप, दिस इज नो विदाउट इंटरनेट भी आपका चल जाएगा, ठीक है। ये विदाउट इंटरनेट भी आप इससे सबमिट कर सकते हो, लेकिन वेब बेस्ड जो टूल्स होते हैं इनको इंटरनेट चाहिए, समझ में आ रहा है ना। वेब बेस्ड का ये मतलब होता है वेब यानी इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट रिक्वायर्ड, इज इट क्लियर। ये दोनों बैंकिट एंड सेक्विन प्रेजेंट होते हैं एनसीबीआई पे, और वेबिन प्रेजेंट होता है ईबीआई पे। ये सबमिशन के लिए होता है, सबमिट करना होता है डेटा को, तब हम ये यूज करते हैं। बैंकिट एंड सेक्विन आपके एनसीबीआई पे प्रेजेंट होते हैं, और वेबिन जो होता है वो आपका ईबीआई पे प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द डेटा सबमिशन एंड रिट्रीवल सिस्टम। अगर मैं यहाँ पे बात करूं डेटा सबमिशन एंड रिट्रीवल सिस्टम के लिए, ठीक है। सो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं रिट्रीवल के लिए, डेटा रिट्रीव करने के लिए हमने देखा था रिट्रीवल के लिए आपका क्या था। रिट्रीवल के लिए एज अ रिविजन बॉक्स से चल रहा है। रिट्रीवल आपके टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकते थे, टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकते थे, या आपके सिक्वेंस बेस्ड भी हो सकते थे, समझ में आ रहा है। टेक्स्ट बेस या सिक्वेंस बेस्ड। टेक्स्ट बेस में जो मैंने आपको बताया उसमें एक बताया था एंट्रेज, क्या बताया था एंट्रेज बताया था, एक बताया था एसआरएस सिक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम, एक बताया था डीबी गेट या डीबी फेच, ये आप कर सकते हो। ये आपका एनसीबीआई पे प्रेजेंट होता था। एसआरएस जो था ईबीआई या ईएमबीएल, आप दोनों एक ही नाम इंटरचेंज करके यूज कर सकते हो। डीबी गेट जो है ये आपका genome.net जो कि जापान में पाया जाता है, genome.net से जुड़ा होता है। सिक्वेंस बेस्ड में मैंने आपको बताया था क्या था, ब्लास्ट एंड फास्टा, इसके बारे में हम लर्न करेंगे, ब्लास्ट एंड फास्टा। इसके अलावा भी कुछ मैंने बताया था, जैसे कि एसएस सर्च भी आपका होता है, या जीजी सर्च भी होता है, ठीक है। ये आपके सिक्वेंस बेस थे, ये रिट्रीवल सिस्टम थे। उसके बाद हमने बात किया क्या था, सबमिशन सिस्टम। सबमिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबमिशन में दो जगह पे दो तरीके से पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि एनसीबीआई पे कौन कौन सबमिशन वाले पाए जाते हैं, तो एनसीबीआई पे दो पाए जाते हैं और ईबीआई पे एक पाया जाता है। एनसीबीआई पे जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्या, वो पाया जाता है पहले एस के बारे में बात करूं तो क्या था, सेक्विन, याद रखना सेक्विन। सेक्विन क्या था, स्टैंड अलोन, एस से सेक्विन, एस से स्टैंड अलोन, ठीक है, एस से सेक्विन, एस से स्टैंड अलोन होता है। और उसके बाद था बैंकिट जो था वो आपका वेब बेस्ड था, वो था वेब बेस्ड। इसको एक बार रिकॉल कर लोगे सब याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता था वेबिन, ठीक है। कुछ टूल्स है वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे, टूल्स आपको रिमेंबर करने ही होंगे। ये भी वेब बेस्ड होता है, वेबिन नाम में ही वेब, तो वेब बेस्ड होगा। Is it clear? Guys, hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जितना हो सकता है मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, और आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिए ताकि वो भी इन चीजों से लर्न कर सके। अगर आपको डेफिनेटली पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।
सीएसआई नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआई नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।